देखिए मेन चीज़ तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री अगर नू कह रहा मैंने संसद भवन बनवा कौन के होंगे दाने बेच के बनवाया उसने भाई, या उसने अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए देश के प्रधानमंत्री ने, देश की जनता का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उससे संसद भवन बना, और संसद भवन बदलने से लोगों की नीयत नहीं बदलने की। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं सुनील बालियान, और उनसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह जब देश ने दो तस्वीरें देखी, एक तरफ लोकतंत्र को, हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया मंदिर मिला यानी नया संसद मिला, प्रधानमंत्री ने नया संसद आज देश को समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ से भी जंतर मंतर से कुछ तस्वीरें आई जो आम जनता को विचलित कर सकती हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर हम सुनील बालियान से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोग आज जो ये जंतर मंतर और लुटियंस दिल्ली में एक जो तस्वीर निकल कर आई, ये लोकतंत्र की क्या नई परिभाषा को गढ़ रही है। सुनील बालियान जी, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे समझना मैं ये चाहूँगा कि सुबह 7:30 बजे के तकरीबन माहौल, दो तस्वीरें आज इस देश के अध्याय में जुड़ी, एक तरफ देश को नया संसद मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर जंतर मंतर से भी एक चित्र इस देश ने देखा सुबह कि ओलंपिक पदक विजेता जो पहलवान हैं उनको डिटेन किया गया, बलपूर्वक कथित रूप से हम कह सकते हैं कि डिटेन किया गया। दोनों ही तस्वीरों को भारत के लोकतंत्र के नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए मेन चीज़ तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर नू कह रहा मैंने संसद भवन बनवा कौन के होंगे दाने बेच के बनवाया उसने भाई, या उसने अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए देश के प्रधानमंत्री ने, देश की जनता का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उससे संसद भवन बना, और संसद भवन बदलने से लोगों की नीयत नहीं बदलने की, वे बलात्कारी वे घमंडी लोग उसी के अंदर बैठे हैं, उन लोगों को बदलने के लिए संसद भवन अगर बदला गया तो अब की बार 543 सांसद भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके तो देश में कुछ परिवर्तन आ सकता है। संसद भवन की बात है, सांसद बृजभूषण चरण सिंह भी है, नई संसद में भी वो बैठेंगे और उम्मीद है कि मानसून सत्र जो आने वाला है वो नई संसद भवन में ही इस बार होगा। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो कानून निर्माता है, जिन बृजभूषण चरण सिंह पर ये आरोप है अभी कि उन्होंने यौन शोषण किया, वही संसद में है, और आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते होंगे, आंदोलनों में इस बात को कहा गया है कि राजनीति कहीं ना कहीं कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका को प्रभावित करती है, तो न्याय आपको करीब दिख रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है? मैं न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार घमंडी हो जा, तानाशाह हो जा, आज तो राजदंड और मिल गया उन्हें, तो आज तो उन्होंने तानाशाही दिखा दी, संसद भवन में जाते ही पहली में सबसे पहले बेटियों का चीरहरण करा। ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो ये कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही प्रधानमंत्री बेटियों का शोषण करवा रहा है, उसे दूसरे को अपनी बगल में लिए घूम रहा है बृजभूषण को। अरे उन बेटियों को डिटेन करने से बढ़िया था कि उस बृजभूषण को गिरफ्तार कर लिया होता। आज चारों तरफ से दिल्ली का बॉर्डर घेरे हुए हैं, पूरे किसान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश के मजदूर आया हुआ है, तो सरकार को दिखता नहीं, और हमें संसद भवन की इतनी खास जरूरत नहीं थी, ना हमें राम मंदिर की इतनी जरूरत थी, हमें जरूरत थी व्यापार की, हमें जरूरत थी कृषि पर कानून बनाने की। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जरूरत नहीं थी, उसी राम मंदिर के आधार पर यूपी, आप खतौली मुजफ्फरपुर नगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग हैं, उसी राम मंदिर के आधार पर 2022 और अभी निकाय चुनाव 17 नगर निगम उसी यूपी में बीजेपी के झोली में डाले हैं। भाई तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हें 17 नगर निगम तो तुम्हें दिख गए, जितनी नगर पालिका आ रहे हुए, जितनी सभा सदी आ रहे हुए, कर्नाटक आ रहे वो नजर नहीं आता, 17 मेयर बन गए उस पर खुश हो। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, देश का प्रधानमंत्री बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, और आज नई संसद भवन में कुरान का पाठ क्यों पढ़वा रहा अगला आदमी? यार लोगों का बेवकूफ बना रहा क्या? ये तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर कहाँ करी, हम तो नहीं करा करते, हम तो नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बना लो, कैसे बनाओगे? 62% दलित है वे तो हिंदू नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते वे पूजा पाठ नहीं कर सकते, फिर सिख भाई है वे खालिस्तान नहीं बतावे उन्हें, ये फिर हमारे जैसे भी है, रह गए 2%, उन 2% को हिंदू राष्ट्र चाहिए, उन्हें एक काम करो उन्हें चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दो, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, और क्या है मुद्दा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आरोप ये भी है कि
राजनीति घुस गई है, ये पहलवानों के आंदोलन में राजनीति हो रही है। आज कल या परसों तक हम ये चित्र भी देख लेंगे, जैसे साहब ने कहा कि चारों बॉर्डर घेर लिए हैं, कि आंदोलन अब हो गया हाईजैक। ये जो 2 साल पहले लोग बैठे थे उन लोगों ने कर लिया मामला हाईजैक। और एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए भी बोला था, कुछ किसान, उन कुछ किसानों ने कुछ पहलवानों का आंदोलन